नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं इस गांव का निवासी हूं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में रास्ता ना होने की वजह से हमें कितनी समस्याएं होती हैं। तो चलिए मैं आप सबको दिखाता हूं कि यहां की कंडीशन क्या है। ये आप जो देख रहे हैं, ये रास्ता नहर पर को जाता है, नहर साइड को, और यही एक रास्ता था जिससे हम लोग आते जाते थे। लेकिन आपको दिखाऊं कि अभी ये भी बंद हो चुका है। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये बड़ा सा खुंटा, ये भी रास्ते में ही रखा हुआ था। इसे आने के लिए मैंने हटाया अपने हाथों से। तो ये एक लास्ट था, लेकिन वो भी क्लोज हो गया। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ। अब आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ, जहाँ पे आने जाने का एक रास्ता है, लेकिन आपको वहाँ की कंडीशन दिखाता हूँ कैसी है। ये आप जो सामने मिट्टी डली देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में करीब 10-15 दिन पहले ये रास्ते का निर्माण हो रहा था इधर से। तो ये रास्ते का निर्माण हमारे ग्राम के प्रधान श्री सुभाष तिवारी जी बनवा रहे थे। तो जो हमारे गांव से जस्ट बगल है मुरैन के पुरवा, वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने इस रास्ते को बनाने से मना कर दिया और वो लोगों ने बहुत लड़ाई की। और आपको अभी आगे दिखाऊंगा, जो जहाँ तक ये बनी है वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत आने जाने का था, लेकिन कैसे वहाँ भी उन लोगों ने बांस वांस बांध रखा है, कैसे खाई बांध रखी है, आपको अभी दिखाता हूँ मैं बस। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, यहीं तक ये रास्ता बनी थी। इसके आगे वो मुरैन के पुरवा गांव है। तो इसके आगे जो है, यहाँ से थोड़ा बहुत आने जाने का था, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे इसमें बांस वांस बांध रखा है। इधर से भी नहीं जा सकते, अब खाई बांध रखी है, खाई बंधी थी पानी निकालने के लिए, इसे खोला गया है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ जो हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी की जो बगिया है, उधर से अभी वो आने जाने के लिए जो अपने बगिया से वो खोल रखे हैं रास्ता, उधर भी कितना मतलब कीचड़ वगैरह है। आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग उधर से जाते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं, इधर से ही हम निकलते हैं। और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना कीचड़ भरा हुआ है, मतलब बाइक बिल्कुल चला ही नहीं सकते इधर। साइकिल बाइक कुछ भी नहीं चला सकती, इसमें बहुत फिसलन होती है और कई बार तो हम गिर भी जाते हैं इसमें। कहीं आना जाना हो, कहीं स्कूल आना जाना हो, तो छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव के पढ़ने जाते हैं इधर से, तो कई बार तो गिर जाते हैं, उनका ड्रेस ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। आप सामने देख रहे हो कि मतलब क्या हाल है इसका, इसे इधर से कैसे जा सकते हैं, देख सकते हो आप कितना मतलब बहुत अच्छा चलाने वाला होगा तो वही चला सकता है यहाँ पे, नहीं तो वो भी गिर जाएगा। अभी मैं खुद ही फिसल गया था यहाँ पे थोड़ी देर पहले आ रहा था इधर से। तो जो सामने देख रहे हो आप, ये हमारे प्रधान जी की बगिया है। तो उन्होंने आने जाने के लिए इधर से खोल रखा है, लेकिन बारिश में इधर से भी नहीं आ जा सकते हम, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारे एक मित्र हैं हमारे गांव के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ आने जाने में, बोलिए। हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आने जाने के लिए। अच्छा, स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल जाते समय हम साइकिल से आते हैं इधर से और स्लिप काट देती है, गिर जाते हैं, मेरा ड्रेस और बैग ख़राब हो जाता है इधर से। हाँ, इधर से। अच्छा, वो जो अभी मैं स्टार्टिंग में दिखाया था जहाँ पे, वो रास्ता कब बंद हुई थी? आज सुबह 8:30 बजे।
8-9 बजे करीब बना हुआ था। अच्छा, किसने बंद की थी, क्या आप उसका नाम जानते हैं? सचिन। क्या कहाँ के हैं वो? पूरे गोसाई का पुरवागा, मेरे ही गांव में। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो यही समस्या है हमारी, और मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए, हमें बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ आने जाने में, और हम कहीं अगर पढ़ाई पढ़ने वढ़ने जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, मतलब क्या बताएं, बारिश में तो खास करके यहाँ इतनी दिक्कत होती है कि बताना नहीं बनता, कैसे बताएं। तो आपको इस गांव का नाम बता दें, तो ये गांव है पूरे गोसाई का पुरवा, पोस्ट गोरियाबाद, जिला अमेठी में पड़ता है ये। धन्यवाद आप सबको देखने के लिए।